समस्तीपुर आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, मोरवा विधायक रणविजय साहू सहित आरजेडी नेताओं ने बुधवार को नामापुर पहुंचकर बीते दिनों हुए नामापुर में नौका हादसा में मरे अमन कुमार, रोहित कुमार, अर्जुन शाह व सुशील शाह के परिजनों से मिलकर सांत्वना देते हुए ढांढसा बंधाया। वहीं आरजेडी विधायकों ने स्थानीय नामापुर वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान यहां के लोगों को होने वाली समस्याओं के साथ नामापुर जाने वाली मुख्य सड़क के ऊंचीकरण व पुल पुलिया के निर्माण के बाद विधानसभा में जोर शोर से उठाने का वादा किया। इस दौरान विधायकों सहित आरजेडी नेताओं ने घटनास्थल का जायजा भी लिया। मौके पर आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर, अशोक प्रसाद वर्मा, रामनाथ राय, सुशील कुमार यादव, अखिलेश बैठा, आरजेडी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप यादव, रामबाबू महतो, अनिल कुमार, रामाधार ठाकुर, सरपंच देव नारायण नायक, पंचायत समिति सदस्य वीणा देवी, मोहम्मद जकी अहमद आरजू, आदित्यनाथ झा, राजा राम राय आदि लोग मौजूद थे। विधायक की टीम मेरे यहाँ आए हैं तेजस्वी जी के निर्देश पर। विधायक श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, पूर्व विधायक अशोक प्रसाद वर्मा जी, रणविजय साहू जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदाधिकारी नेतागण आए हैं। मेरा दोनों भाई विगत दिनों 23 जुलाई को नाव से शांति नदी में डूब गया, जिसके लिए हमको सांत्वना दे। हम पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं और हम यही विधायक जी से मांग किए हैं कि मेरे भाई का आत्मा का शांति तभी मिलेगा जब यहाँ पर रोड पुल ऊंचीकरण और चौड़ीकरण हो और मेरे भाई दोनों भाई के नाम से दोनों पुल रोड बने, उसके बाद मेरे भाई का आत्मा का शांति मिलेगा और इस गांव में दोबारा किसी का मांग न उजरे। इसके लिए हम पुरजोर हम भी मेहनत करेंगे और सदन में हमारे विधायक जी लोग मेहनत करें और यही हमारा मांग है। परिवार से मुलाकात किए हैं, क्या सांत्वना दी है? देखिए, बहुत दुखद घटना है, मर्माहत होने वाला है। एक नाव दुर्घटना में यहाँ पर 7 लोगों की मौत हो गई। इस गांव में लंबे समय से यहाँ पे पुल का की आवश्यकता है, पुल नहीं रहने के कारण मौत हुई और पिछले 15 साल से 17 साल से सुशासन की सरकार कहलाती है, डबल इंजन की सरकार कहलाती है, यहाँ के प्रतिनिधि लोग भी सत्ताधारी दल के हैं, उसके बावजूद पुल का नहीं बनना और इतनी बड़ी घटना होना, निश्चित रूप से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और हम लोग यही देखने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं पूरी बात को जानने के लिए। क्या तो हम लोग यही पाए हैं कि पुल सरकार के निकम्मेपन की वजह से, उसकी काहिलियत की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। पूरी तरह से सरकार इस मौत की जिम्मेदार है। हम लोग और हमारी पार्टी, हमारे नेता प्रतिपक्ष को सारी बात बताएंगे और जो भी अपेक्षित पहल होगा यहाँ पर पुल निर्माण में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय विधायक अभी तक परिजनों से मिलने तक भी नहीं आए हैं। ये अफसोस की बात है, वो आना चाहिए। क्षेत्र की जनता जनता मालिक है और किन कारण से नहीं आए हैं, लेकिन आना चाहिए था, इस अवसर पे आना चाहिए था और क्यों पुल नहीं बना इस पे लग करके बात करना चाहिए। वैसी सरकार में रहने से क्या फ़ायदा है, जब मंत्री रहते, विधायक रहते, सांसद रहते, जब यहाँ पे वो पुल नहीं बनवा पाए तो वैसी सरकार वैसी पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा है। उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए वैसी पार्टी को, अगर उनके कहने से सरकार पुल एक नहीं बना पा रही है। समस्तीपुर से स्वदेशवाणी के लिए अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।